हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। वीडियो लेके आए हैं हम लोग। इसमें क्या करा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग सारे इंटेक्स क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस करने लायक हैं, ये फिफ्थ को क्वेश्चन से वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट फोर क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस तो शायद आइसोमेरिज्म पर बेस्ड हैं आपके, और दो क्वेश्चंस मैं पहले कवर अप करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले पढ़ के। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN42 नेगेटिव आयन विद स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर इज डायमैग्नेटिक एंड द NiCl4 दो नेगेटिव आयन विद टेट्राहेड्रल इज पैरामैग्नेटिक। कह रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बताओ कि NiCN4 पे दो नेगेटिव, ये तो एक स्क्वायर प्लेन है, जबकि NiCl4 पे दो नेगेटिव ये एक टेट्राहेड्रल है, ये एक पैरामैग्नेटिक है। रीजन बताइए ये क्यों। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी हाइब्रिडाइजेशन करके दिखा देनी है, उसमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि क्या है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर में आए, तीन नंबर में आया तो आप सॉल्व करके दिखाओगे, और ये क्वेश्चन दो नंबर वाले सेक्शन में है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट बोल दोगे क्या CN साइनाइड है, साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि Cl4 एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा सकता, जिसकी वजह से NiCl4 के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इतना आसान है क्वेश्चन अगर दो नंबर में है तो। पर आंसर देख लेते हैं आपको इसको किस तरीके से लिखना है। पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया कि निकल का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +2 आएगा, और बोल दिया कि CN जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। Ni2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन लिख के दिखा दी, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया इलेक्ट्रॉन्स का, हाइब्रिडाइजेशन बता दी, और ये दिखा दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए नेचर इसका डायमैग्नेटिक है। सिमिलरली अगर NiCl4 पे दो नेगेटिव की बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है, Ni2 पॉजिटिव का वही कन्फिग्रेशन लिख के दिखा दिया, पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे, तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 आएगी, और इसका कैरेक्टर कैसा आ जाएगा आपके पास में, डायमैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स का आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, वीडियोस देखी हैं। किसी ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसे नीचे स्क्रॉल करके इसी प्लेलिस्ट को, और उसमें देखिएगा, वीडियो मिल जाएगी आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से, आप उसे प्ले करिए और उसके बाद फिर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, समझ आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NiCl4 पे दो नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक वाई NiCl4 इज डायमैग्नेटिक दो बोथ आर टेट्राहेड्रल वाई। वही सेम कहानी फिर से, Cl4 पैरामैग्नेटिक क्यों, अभी बताया कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है। Cl4 डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि वो चार हैं, और दूसरी बात सॉरी चार हैं इन्होंने, वो क्या है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं, और इसलिए वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं एक बार। देखिए NiCO4 में निकल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 है, जबकि NiCl4 दो नेगेटिव में इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। CO जब लिगेंड होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप हो जाते हैं निकल के, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन Cl जो एक वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करा सकता इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे, इसीलिए वो किस तरीके का है, वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का है। आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन ये फिफ्थ और सिक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, फिफ्थ और सिक्स के सारे ही ऑलमोस्ट सेम है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है Fe2O6 3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, जबकि FeCN6 3 नेगेटिव वीकली पैरामैग्नेटिक है। रीजन था ये सब क्यों हो रहा है, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक वीकली पैरामैग्नेटिक मतलब स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। H2O क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या वो पेयरिंग कराएगा इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगा, इसका मतलब उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसलिए क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। जबकि FeCN6 CN साइनाइड जो यहाँ पे वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर में होगा। तो अगर ये डायमैग्नेटिक है इसका मतलब पैरामैग्नेटिक तो बहुत वीक होगा ना इसका नेचर, तो वीकली पैरामैग्नेटिक इसका नेचर हो जाएगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से समझी है तो आप ओरली क्वेश्चन को समझ सकते हो और आंसर फॉर्म कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन दिखा दिया यहाँ पे मैंने, Fe2O6 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, ऐसे 3 आ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, कितना आ गया, 3 आ गया।
इन Fe2O6 3 पॉजिटिव, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना है +3 है, और H2O क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो कैसा रहेगा, स्ट्रांगली पैरामीट्रिक रहेगा। लेकिन Fe3CN6 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का वही सेम +3 है, लेकिन CN एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करा देगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, और कैरेक्टर कैसा बन जाएगा, इस वजह से डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन CONH3 16 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वेयर इज NiNH3 6 पे 2 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताया मैंने आपको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से समझाया था। ठीक, कैसे समझेंगे इस बात को, देखते हैं आंसर की हेल्प से। इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 की प्रेजेंस में बात करें तो जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं और 2D ऑर्बिटल्स को लीव करके चले जाते हैं, और क्या बनता है यहाँ पे, D2SP3 बनता है। हाइब्रिडाइजेशन जो आती है वो, ये हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाता, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अंदर वाली ऑर्बिटल यूज़ होती है, जबकि यहाँ पे NH3 जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाता, इसीलिए आउटर ऑर्बिटल का यूज़ आपको करना पड़ता है और sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो मेरे को नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चंस हो पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या किसी भी चैप्टर में, कितने आसान है, आपको सिर्फ एक ही बात पकड़ के रखनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उसी के बिहाफ पर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये था 8th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोला प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन स्क्वायर प्लेनर PtCN4 2 नेगेटिव। कितना आसान क्वेश्चन है, CN की सबको पता है वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ से -4 हो जाएगा, उधर जाके +4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो बच्चे पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। प्लैटिनम पे 2 पॉजिटिव आ गया चार्ज, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देंगे और बता देंगे कि इसके पास इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आंसर देखिए ये रहा। ये आंसर हो गया। कॉन्फ़िगरेशन PT का कितना है, 5D9 6S1 होता है, PT2 पॉजिटिव में 6S पे से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। CN जो है वो क्या, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करा देगा, पेयरिंग ज़रूर कराएगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया। क्या कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में, कहाँ से हो जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, CN पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो छोड़ता ही, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो दुश्मन है उसके, वो तो सबकी पेयरिंग करा देता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द हेक्साएक्वो मैंगनीज आयन कंटेन्स 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वेल द हेक्सा साइनो एन आयन कंटेन्स ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन यूजिंग CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली वीडियो में, हुआ नहीं हुआ आप लोगों से पता नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। हेक्साएक्वो मैंगनीज का मतलब क्या है कि मैंगनीज है यहाँ पे सेंट्रल एटम, ये हो गया मैंगनीज, और हेक्साएक्वो का मतलब क्या है कि 6 पानी है, ये हो गया 6 वाटर इस तरीके से, और 2 लगाए तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कहीं कहीं वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें करना है क्या है कि इसमें ये दिखाना है कि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि हेक्सासाइनोएनायन क्या है, उसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हेक्सासाइनोएनायन का मतलब क्या है कि इसी का, मैंगनीज की बात हो रही है, तो हेक्सासाइनो का मतलब है ये हो गया मैंगनीज, और हेक्सासाइनो मतलब CN6, यहाँ पे 2 चार्ज। ठीक है, ये कुछ कहानी है। तो कैसे समझाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बिहाफ पे, वही सेम है, आपको वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद रखने, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका खुद हो जाएगा। देखिए मैंगनीज क्या है, वो प्लस टू स्टेट में है वहाँ पे हमारे पास में, जब प्लस टू स्टेट में होता है उसकी कन्फ्यूजन 3D5 होती है H2O के लिगेंड के केस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की इनकी 5 इलेक्ट्रॉन्स की कैसी होगी, H2 क्या है,
एक वीक फील्ड लिगेंड है, H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या नहीं कराएगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो पांच इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम लोग, तीन भरेंगे T2G में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग शुरू हो जाती है ना T2G की, तो चौथा इलेक्ट्रॉन हम T2G में नहीं भर पाएंगे क्योंकि H2 बीइंग अ वीक फील्ड लिगेंड कैन नॉट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हम आगे के इलेक्ट्रॉन्स किस में भर देंगे, Eg में भर देंगे, और आंसर हो जाएगा हमारा T2G3 Eg2, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स, पांच इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो इसका मतलब कैरेक्टर अगर मेरे से पूछता, ऑल्दो मेरे से क्वेश्चन बात हुई नहीं है कैरेक्टर की, अगर पूछता भी कैरेक्टर तो हम बोल देते कि कैरेक्टर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इसका कैरेक्टर हो जाएगा। अगर CN नेगेटिव की बात करें, अगर CN लिगेंड है तो CN लिगेंड कैसा लिगेंड होता है, CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, तो तीन इलेक्ट्रॉन के बाद जब आप चौथे इलेक्ट्रॉन भरने चलोगे तो आप Eg में ना भर पाओगे, और किस में भरोगे आप, T2G में भरोगे। T2G समझ में आती होंगी शायद सबको, ये होती थी T2G ऑर्बिटल्स, हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, फिर आती हैं Eg ऑर्बिटल, इसमें चौथा भरोगे और पांचवा भरोगे जब जब लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो आप पांचवा चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं भर दोगे, चौथा पांचवा फिर छठा फिर सातवें में वहाँ पर जाओगे। इस तरीके से करना है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन में। तो दैट वॉज ऑल अबाउट इंडेक्स क्वेश्चंस। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल बी सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जैसे देख रहे हैं आप PDF में नीचे अटैच है मेरे पास इसमें क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें NCERT की एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं या वो क्वेश्चंस जो हमने कवर अप नहीं करे हैं उन क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स एंड बाय बाय।